सचिन और सीमा की प्रेम कहानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सनसनी मचा रही है। जहां कुछ लोग सचिन और सीमा के प्रेम कहानी के साथ खड़े हैं, तो वहीं कुछ लोग उसके प्रेम कहानी का विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में रबुपुरा के इलाके में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सीमा को लेकर के बहुत ज्यादा जो है वो खौफजदा है, क्योंकि इनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो सकता है, बहुत बड़ी चूक हो सकती है। क्योंकि जिस जगह पर सीमा अपने प्रेमी सचिन के साथ रह रही है, वहां से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पे अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है जेवर एयरपोर्ट, और यहां से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पे देश की राजधानी है। जो खौफजदा लोग जो इस इलाके के, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो डर सर सिक्योरिटी को लेकर सुरक्षा एजेंसियों से कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक हुई है, और ये चूक पहले से भी होती रही है। ये थोड़ा केस ज्यादा ओपन हो ना, बहुत सारे रोहिंग्या भी पड़े हैं यहाँ पे, मूवमेंट बांग्लादेशी भी बहुत है, पहले भी पाकिस्तान से आतंकवादी गतिविधि होती रही है। तो उस वजह को लेकर सर सुरक्षा एजेंसी बिल्कुल मेरी नजर में बिल्कुल इस मसले में काम अच्छा नहीं कर पा रही है। आपका नाम जी? सुबोध शर्मा। आप सुबोध जी, ये बताए कि सीमा यहाँ पर है, आप लोगों के बीच में है, किस बात का डर आपको सता रहा है? नहीं, डर बहुत ज्यादा है सर। आप ये बताइए, ये पाकिस्तान से आई है और पाकिस्तान के तो नाम से ही डर है, वहां के आदमी के छोड़ो, आप नाम से ही डर है। अभी हमारे 3-4 किलोमीटर साइड में एयरपोर्ट है, उससे बगल में 4 किलोमीटर पर फिल्म सिटी सबसे बड़ी बनने जा रही है, उसके बराबर में जो हमारे यहाँ जो हम खड़े हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिटी सबसे बड़ी है। कल को इसके टच में अगर यहाँ वैलिड होकर रहती है, इसके टच में वहाँ के लोग रहेंगे तो भाई, अगर इसके टच में लोग रहेंगे तो कोई ना कोई आने की कोशिश भी करेगा। कल को किसी के घर में कमरे रेंट पर उठ रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, यहाँ सब यही है। अगर कोई यहाँ के गलती से इनवैलिड तरीके से आ गया तो फिर इसका जिम्मेदार कौन? सर, मुद्दा सिर्फ सुरक्षा को लेकर के है। गांव के जो लोग हैं खौफजदा, उनका साफ तौर पर कहना है कि सीमा यहां अगर रहती है तो उसके पाकिस्तानी जो रिश्तेदार हैं, जो उसके जानकार हैं, वो भी यहां टच में रहेंगे, गांव का किराया कमरे पे उठेगा, तमाम तरह की समस्याएं होंगी। आप किस बात को लेकर क्या सोच रहे हैं? जो लोग वहां आवाज उठा रहे हैं कि इसे यहीं रखेंगे, यहीं रहने देंगे, क्या वो गारंटी ले सकते हैं कि ये ठीक है? क्या वो गारंटी ले सकते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो आगे आने वाले समय में गलत नहीं होगा? आपको साजिश कुछ दिख रही है पाकिस्तान की? बिल्कुल साफ है, अगर इतने जांच एजेंसी पूरी नहीं कर लेंगे। कुछ लोग जो इस इंसानियत और मानवता की भी दुहाई दे रहे हैं कि अगर प्यार के लिए आई है तो प्यार की कोई सरहदें नहीं होती है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप लोग गांव के लोकल लोग हैं यहाँ के, इस इलाके के, क्या वाकई में प्यार के लिए सरहदों को मिटा देना चाहिए, या फिर प्यार की आड़ में सरहदों को क्रॉस करके इस तरह से जो आप लोगों के अंदर डर है, जो मन में भाव बना हुआ है, उस तरह की बेचैनी है? पहली बात तो मैं यही कहूंगा कि प्यार की भी कोई हद होती है, प्यार की भी उम्र होती है। 4 बच्चों की माँ प्यार ना करती, जब 4 बच्चे हो जाएं, बाप हो या माँ हो, इतना प्यार उनका आपस में ना रहेगा जितना बच्चों पे प्यार हो जाता है। तो पहली बात तो मुझे ये प्यार ही नहीं दिख रहा है। जो कामयाब हुई है हमारी एजेंसी की जो कमी है, वैसे ये बच्चों के कारण ये आ गई है और बात चीज का ये फायदा उठा रही है। आपको क्या लग रहा है बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है इमोशनली? ये बच्चों का 100% इस्तेमाल करा जा रहा है। अब तो वो रंग हो रहा है कि एक के साथ में 4 फ्री हैं। ये हमारे इंडिया के लिए पाकिस्तान ने एक तो दिया ही है, एक बाल्टी के साथ हमें आज 4 मग्घा फ्री में दे दिए हैं कि आने वाले समय में इंडिया के हम ऐसे वो हैं कि बच्चे ने देख के हम अभी तो हमने यू सजा रखी है, यानी हर सेवा कर रहे हैं। आने वाले समय में हमारे भाई जो भी कहते हैं कि जांच चल रही है, जांच ना चल रही, ये बच्चे पाकिस्तान के ही हैं, सदा पाकिस्तान के गुण गाएंगे, ये कभी ना इंडिया के थे ना होंगे। तो पहले पाकिस्तान ने जाल बिछा के ये 5 याज के मानव बम भेज दिए, तो ये 100% खतरा है। जैसे हमारी अंजू गई ऐसे आती ना सर, तो मानव तो आप मानव बम कह रहे हैं? 5 मानव बम है ये। मैं जो अपने दिमाग में लेके चल रहा हूँ सोच सबकी, कोई मैं एजेंसी तो हूं ना, जो मेरा दिमाग काम कर रहा है, मुझे ये 5 मानव बम लग रहे हैं, ये इंडिया के लिए खतरा लग रहे हैं। मेरा एक सचिन भोलो भालो आदमी, एक बेचारो परचूने पर दुकान करने वाला आदमी, ऊ या सीमा हैदर की जाल में फंस गए है, वहां को भी दुख है हमें, हमारा पड़ोसी है वो भैया, और ये इनके यही काम मिले कि सीधे साधे आदमी ने फंसाने की जाल है कि 4 और 0 को दिल्ली में कहीं है, वो थोड़े पढ़े लिखे समझदार होंगे, वो आगे जाल में ना फंसे। सचिन भैया हमारो ऐसा फंसो कहू सीधो आदमी हो, पढ़ो लिखो भी कम है, या हमारे भैया याद था 100% इंडिया ना, मैं जो करूँ पूरे देश है खतरा, 5 से 1 से नहीं, 5 से।